नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत एट टाइम के स्पेशल एडिशन में। भारत देश सनातन धर्म के लिए जाना जाता है। हजारों सालों से हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो सनातन धर्म की धरती बना हुआ है, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिस सनातन धर्म को लगातार लोग पूछते जा रहे हैं। उसी सनातन धर्म में कुछ संत ऐसे होते हैं जो विवादित बयान दे देते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। हो सकता है कि उन्हें सुर्खियों में आना पसंद हो, या हो सकता है कि उनकी मंशा कुछ और हो। आज हम ऐसे ही संत के बारे में अगले आधे घंटे बात करने वाले हैं। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में गांधी जी का अपमान करने वाले महाराष्ट्र के संत कालीचरण पर रायपुर में FIR दर्ज हो गई है। खास बात यह है कि जिन कालीचरण को कांग्रेसी धर्म संसद में हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, बाद में वही उनके खिलाफ FIR करवाने पहुंच गए। अब ऐसा क्या हुआ होगा वो तो आपको आगे पता चलेगा। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम ने ढोंगी बाबा हाय हाय के नारे लगा दिए। संत कालीचरण को IPC की गैर जमानती धारा 505(2) के तहत शांति भंग करने के मकसद से आपत्तिजनक बयान देने, समुदायों के प्रति नफरत पैदा करने और धारा 294 के तहत अश्लील गाली गलौज करने का आरोपी बनाया गया। सिविल लाइंस के CSP वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया है कि मोहन मरकाम के आवेदन को कार्रवाई के लिए थाने भेज दिया गया। इधर विवादित बयान देने के फौरन बाद कालीचरण महाराष्ट्र रवाना हो गए। कांग्रेस क्या कहती है जरा वो सुनिए। कांग्रेस ने कहा है कि गांधी जी का अपमान देश का अपमान। संत कालीचरण पर FIR कराने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मरकाम ने कहा कि गांधी का अपमान देश का अपमान है। रविवार देर रात सिविल लाइंस थाने में 2 दर्जन कांग्रेसियों के साथ पहुंचे नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे के आवेदन के आधार पर टीकरापारा थाने में केस दर्ज कर लिया गया। तो रायपुर में 2 दिन ये धर्म संसद चली थी, जिसका रविवार को समापन कार्यक्रम हुआ। रावण भाटा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भोजपुर मंदिर में शिव तांडव स्रोत गाकर मशहूर हुए संत कालीचरण को भी बुलाया गया था। कालीचरण ने मंच पर आकर पहले शिव तांडव स्रोत सुनाया। कुछ देर वे धर्म और हिंदुत्व पर अपनी बातें रखने लगे। कालीचरण ने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीतिक तौर पर राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 जब भारत आजाद हुआ, हमने देखा मोहनदास करमचंद गांधी ने देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। मन से जब कालीचरण ने बात कही तो भीड़ ने तालियां बजाई, जय श्री राम के नारे भी लगाए। और महाहराम वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया। तो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए उसने तो खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और खाली ताली रूप से खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थितिवश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। वहां कुछ लोगों ने तालियां बजाई तो कुछ लोगों को गुस्सा आ गया, जिसमें एक थे राम सुंदर दास। कालीचरण गांधी के खिलाफ ये बातें कहकर चले गए। मंच पर मौजूदा कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले रायपुर के ही संत और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास को लेकिन गुस्सा आ गया। गुस्से से वो तिलमिला गए। उन्होंने माइक पर नीलकंठ त्रिपाठी को लताड़ते हुए कहा कि यही है धर्म संसद, मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों किया गया? अपनी मनमानी ही करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? मैं खुद को इस कार्यक्रम से पृथक करता हूं। इतना कहकर महंत स्टेज से नीचे उतर गए और गुस्से में दूधाधारी मठ लौट गए। दूसरे संत हंगामा करने लगे, मीडिया से बात करने पर एक दूसरे को टोकते रहे। नहीं बोला
मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से इस मन से जिस बात को कह के गया गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए उससे तो खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और ताली भी उसे खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ, वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि से आज नवाजा गया, अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारे साथ अंधारा नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। इस धर्म संसद का आयोजन 25 दिसंबर को हुआ था। इसका आयोजन नीलकंठ सेवा संस्थान के संस्थापक पंडित नीलकंठ त्रिपाठी ने करवाया, जिनको लताड़ते हुए नजर आए, जो खुद एनसीपी के नेता भी हैं। मुख्य संरक्षकों में महंत राम सुंदर दास, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक विकास उपाध्याय, निगम सभापति प्रमोद दुबे, विधायक सत्यनारायण शर्मा थे। संरक्षकों में आईएएस रिटायर्ड भाजपा नेता गणेश शंकर मिश्रा, पार्षद ज्ञानेश शर्मा थे। धर्म संसद के पहले दिन कार्यक्रम में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। आखिरी दिन सीएम भूपेश बघेल भी आने वाले थे, लेकिन उनका आना अचानक रद्द हो गया। अब रायपुर में धर्म संसद 2021 में महाराष्ट्र आए संत कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही तो हर किसी को गुस्सा आना लाजमी था। इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने ये बातें कही। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश कर दिया। नाथुराम गोडसे को नमस्कार है, जिन्होंने उनकी हत्या कर दी। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने इस बयान का कड़ा विरोध किया और मंच छोड़ दिया। अब संत कालीचरण ने आखिर क्या कहा था वो तो हम बता चुके हैं, लेकिन आप जरा खुद भी सुन लीजिए। हो भैया जो हिंदू हित की बात करेगा, पर ये एक सूत्र मंत्र जप के जैसे करो। हमारी घर की औरतें बड़ी बड़ी सुशील और सभ्य हैं, ये वोट को नहीं जाती ऐसा सामूहिक बलात्कार जब होंगे तब तुम्हारे गांव की औरतों का क्या होगा? महामूर्खो, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिए भैया, दो दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरानी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है, और आपकी आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं, पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते। हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो, ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़िया है, पुलिस भी गुलाम है। किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। राजाओं का गुलाम है शासन, राजाओं का गुलाम। शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन के गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो,
हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं, और आप अगर राजनीति की घृणा करोगे तो धर्म का नाश कर लोगे, धर्म का नाश कर लोगे। अब जब ये भाषणबाजी चल रही थी तो दर्शकों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे, भाजपा नेता सचिदानंद उपासने और नंद कुमार राय भी मौजूद थे। नाथूराम गोडसे को जब दोनों हाथ जोड़कर कालीचरण ने नमस्कार किया तो भीड़ जय श्री राम के नारे लगाकर तालियां बजाने लगी। यानी कि गांधी गोडसे तो है, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, यानी कि राम जी को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। कालीचरण पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो की वजह से काफी चर्चा में आए थे, जिसमें वो मंदिर के भीतर शिव तांडव स्तोत्र गाते हुए नजर आए थे। तब से वो चर्चा में आए और पता चला लोगों को कि संत कालीचरण नाम के भी कोई संत हैं। धर्म संसद में कालीचरण ने कहा है कि राजा यानी कि सांसद, विधायक, देश का मंत्री, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो कट्टर हिंदुवादी हो। हमेशा लोग वोट देने नहीं जाते, ऐसा ना करने पर देश में इस्लाम हावी होगा। लोगों को अपने घरों से निकालकर ज्यादा से ज्यादा वोट देना चाहिए। यहां पर भी धर्म के नाम पर एक गंदी ओछी राजनीति हो रही थी, वो भी हिंदू मुसलमान की, जैसा कि होता आया है हमारे देश में। अब ऐसा राजा चुनना चाहिए जो कट्टरवादी हिंदूवादी हो, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, यानी कि उनसे उन्हें राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई दल हो, उन्हें मतलब है हिंदू मुस्लिम से। छत्तीसगढ़ और देश भर में धर्मांतरण के सामने आ रहे मामलों की ओर इशारा करते हुए कालीचरण ने कहा है कि देश की जाति व्यवस्था के कारण ऐसा हो रहा है। समाज के जिन वर्गों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिला, जिन्हें समाज ने प्रेम नहीं किया, वो दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, उनकी देखा देखी दूसरे लोग भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था खत्म कर सभी को सम्मान देने से समस्या का हल निकलेगा। ये बात तक तो ठीक थी, लेकिन गांधी गोडसे के बीच वो फंस गए। पर ये एक सूत्र मंत्र जप के जैसे करो। हमारी घर की औरतें बड़ी बड़ी सुशील और सभ्य हैं, ये वोट को नहीं जाती है। ऐसा सामूहिक बलात्कार जब होंगे तब तुम्हारे घर की औरतों का क्या होगा? महामूर्खो, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिए भैया, दो दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरानी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। वाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है, और आपकी आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते थे अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं, पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। राजाओं का गुलाम है शासन, राजाओं का गुलाम। शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन के गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं, और आप अगर राजनीति की घृणा करोगे तो धर्म का नाश कर लोगे, धर्म का नाश कर लोगे। दो दिन से चल रहे इस धार्मिक आयोजन में देश भर से संत महात्मा जुटे थे। वह इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया है। रविवार को यह
बवाल सामने आया और सोमवार को खूब तांडव हुआ। पूरा ट्विटर इस पूरे मामले से भरा पड़ा है। देखिए, इस पूरे मामले पर कुछ साधु संत कालीचरण का विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन। अब समर्थन करने वालों में यति नरसिंहानंद सरस्वती भी शामिल है। क्या कह रहे हैं वो देखिए। पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा, लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोलू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया, गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ बलात्कार करवाए, तुम करोड़ों के साथ करवाओ। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ। इसी का नाम तो गांधीवाद और गांधी का चेलावाद है। लेकिन गॉड से सत्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है। और तो और जो बयानबाजी है वो यहीं तक नहीं सीमित है, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो सुनना भी जरूरी है। किसी भी धर्म संसद में किसी भी संत महात्मा के द्वारा राष्ट्रपिता के ऊपर दिए गए अभिभाषण अशोभनीय नहीं होने चाहिए। और राष्ट्रपिता जो हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है, उन पर अशोभनीय टिप्पणी कतई हिंदुस्तान की जनता नहीं बर्दाश्त कर सकती। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। ये संत के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन वो उचित स्थान नहीं था। हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी लोग बोल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपिता तक को न छोड़ा जाए। यह उचित नहीं है, सर्वथा निंदनीय है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। द वे अ फेक साधु हैज अब्यूज महात्मा गांधी इन छत्तीसगढ़ धर्म संसद, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन दिस कंट्री। इंसल्टिंग महात्मा गांधी इट्स अ इंसल्टिंग टू द नेशन। ही हैज हर्ट द सेंटीमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। This cannot be tolerated. This kind of a Farji Baba should be booked under sedition laws. As we getting some information, he belong to Akola. Definitely we demand with the Home Minister, the case should be registered in the state of Maharashtra and he should be arrested. Nathuram Godse ki prasansa karne wale rashtrodrohi log hain. Rashtrapita महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पूरा हिस्सा लिया। देश को गुलामी से मुक्त कराने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो प्रखर समाजवादी थे और पूरा देश के वो आदर्श हैं। अगर आज कोई महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करता है, इसका मतलब है कि वो हिंसावादी है, वो राष्ट्र विरोधी है और वो देश में हिंसा और हत्याओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। किसी भी संत और महात्मा को ऐसे बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नाथूराम गोडसे को महामंडित करती रही है। नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाना, उसकी पूजा करना और लगातार उसका जिंदाना इसे भाजपा करती रही है। हम लोग ऐसी हर कार्रवाई का घोर भर्त्सना करते हैं और जिसने भी नाथूराम गोडसे की तारीफ करने का काम किया है उसको राष्ट्र विरोधी आरोपों में गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये थी धर्म संसद, जिसमें धर्म तो नहीं था, बाकी सब कुछ था। गांधी जी थे, गोडसे था, श्रीराम किनारे भी लग रहे थे, जिसे कभी
हटाया नहीं जा सकता। कोई भी विवाद हो, राम जी आ ही जाते हैं, जैसा कि इन लोगों ने कॉपीराइट ले रखा हो। तो बवाल मचना लाजमी था, बवाल मचा है, FIR हो गई है, कार्रवाई आगे क्या होती है देखना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चुनाव आते आते गांधी गोडसे फिर से क्यों गूंजने लगता है? आखिर 1947 के बाद से अब तक इतने साल हो गए हैं, गांधी गोडसे क्यों बार बार हर साल कानों में गूंजता हुआ नजर आता है? जब हम गांधी जी को महात्मा कहते हैं तो फिर ये महात्मा गांधी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सवाल बड़ा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।